नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा YouTube चैनल में। चलिए, ये मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया था अमेजन से, Redmi 4 का प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया है। तो अभी चलते हैं, इसे हम अनबॉक्सिंग करते हैं और अनबॉक्सिंग के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं। थोड़ा क्विक देख लेंगे कि क्या क्या है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे उसमें। पैकेजिंग तो काफ़ी अच्छी है, ये बिल है हमारा amazon.in से। चलिए हम देखते हैं आगे क्या है और बॉक्स के अंदर। ये पैक है, रैपर है, ये Redmi 4 इंडियाज़ नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांडिंग। तो ये ब्रांडिंग आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको फोकस नहीं हो रहा होगा तो मैं दिखा देता हूँ थोड़ा। ये रहा फ़ोन, ये देख पा रहे होंगे 2GB वेरिएंट है, 16GB इंटरनल के साथ में, 2GB रैम है साथ में। आपको इसमें 4100mAh का बैटरी मिलता है। स्नैपड्रैगन 435 चिपसेट के साथ ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन है ये प्रोसेसर, और 13MP का रियर कैमरा है। फिंगरप्रिंट है जो कि बताया तो जा रहा है कि फास्ट है 0.3 सेकेंड लॉकिंग के साथ में, बट हम देखते हैं आगे क्या है। साथ ही साथ इसमें LTE का भी ऑप्शन मिला है। तो चलिए अभी हम इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। ये है फ़ोन, और फ़ोन को पहले साइड में रखते हैं। फ़ोन के साथ और कौन कौन सी है, ये कुछ यूज़र मैनुअल गाइड है साथ में। ये चार्जर है फ़ोन का, आउटपुट है 5V 2A का, देख रहे होंगे आपको यहाँ पे पता चलेगा। ये चार्जर है, ये डाटा केबल है, साथ में सिम इजेक्टर टूल है और नथिंग इनसाइड द बॉक्स। फ़ोन को थोड़ा फिजिकल ओवरव्यू देख लेते हैं। फ़ोन वैसे तो काफ़ी अच्छा है ऑन हैंड यूज़ के लिए। फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पे है, यहाँ पे 13MP का रियर फेसिंग कैमरा है विथ सिंगल LED टोन फ्लैश के साथ में। यहाँ पे चार्जिंग स्लॉट दिया गया है, यहाँ पे माइक और यहाँ पे स्पीकर है। और चलिए, और यहाँ पे पावर ऑन ऑफ बटन है विथ वॉल्यूम रॉकर बटन के साथ में। चलिए हम इसे बूट कर लेते हैं और देखते हैं कैसा है इसका यूज़र इंटरफेस। तो पता है कि MIUI का कैसा इंटरफेस हो सकता है। जल्दी से हम इसे स्किप कर लेते हैं। तो ये फ़ोन का बूट प्रोसेस हो चुका है कंप्लीट। इसमें मैं सिम इंसर्ट नहीं करूँगा अभी, गूगल अकाउंट ऐड नहीं करूँगा, मी अकाउंट ऐड नहीं करूँगा, और फिंगरप्रिंट अभी सिर्फ ओनली स्क्रीन मोड पे रखता हूँ। इसे पैटर्न भी नहीं रखूँगा, पैटर्न रखना पड़ेगा ना, ओनली स्क्रीन लॉक। अब इसे देखते हैं कि कौन सा मी का वर्जन पे रन कर रहा है। तो अभी मैं इसे थीम डिफ़ॉल्ट में रखूँगा और आगे बढ़ते हैं। सेटअप कंप्लीट हो चुका है हमारा, एप्लीकेशन लोड ले रहा है। तो ये फ़ोन जो है बूट हो गया है। इसे थोड़ा हम ब्राइटनेस बढ़ाते हैं और आपको दिखाते हैं क्या है और भी कुछ। तो ये पूरे ब्राइटनेस में है अभी फ़ोन, और काफ़ी अच्छा स्क्रीन है इसका, व्यूइंग एंगल भी काफ़ी अच्छा है। और फ़ोन में चलते हैं, और ये अभी एंड्रॉयड वर्जन नूगट पे रन कर रहा है डिवाइस, साथ में MIUI 9 स्टेबल वर्जन पे आया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, Redmi 4 में स्टेबल वर्जन पे आया है MIUI 9, बहुत अच्छी बात है इस फ़ोन में। मुझे लगा नहीं था कि MIUI 9 स्टेबल वर्जन में आएगा इस फ़ोन में, तो अब मुझे इसे अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये था फ़ोन का सिंपल यूजर इंटरफेस, और बाकी सब कुछ अच्छा है। मिलते हैं अगले वीडियो में।
रखिएगा।